ये तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। अब आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अखरोट, अलसी, सूरजमुखी और सरसों के बीज, सोयाबीन, हरी बीन्स, शलजम, हरी पत्तेदार सब्जियां और स्ट्रॉबेरी, रसभरी जैसे फलों में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा मूंगफली और गाय के दूध में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड और गामा लिनोलेनिक एसिड जैसे कुछ फैट होते हैं। इनकी संतुलित मात्रा शरीर के लिए जरूरी होती है। इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा भी नुकसानदेह होती है और ओमेगा 3 की कमी भी शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव डालती है। ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको भी जानना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ओमेगा 3 की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां पनप सकती हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट अटैक के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि इसका सेवन करने से धमनियां फैलने लगती हैं, जिससे ब्लड फ्लो सही तरीके से हो पाता है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर बनता है। जबकि इसकी कमी होने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ओमेगा 3 अस्थमा होने का एक प्रमुख कारण है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने से सूजन कम होने लगती है, जिससे अस्थमा में राहत मिलती है। जबकि ओमेगा 3 की कमी होने पर अस्थमा रहने की आशंका बढ़ सकती है। इसके साथ ही अल्जाइमर जैसे रोग को ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने पर याददाश्त में कमी होने जैसी समस्या होने लगती है। अल्जाइमर रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जबकि ओमेगा 3 की पर्याप्त मात्रा लेने पर अल्जाइमर जैसा रोग ठीक हो सकता है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने से अवसाद होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जबकि इसकी कमी होने पर डिप्रेशन होने और अवसाद बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, अब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के महत्व के बारे में तो जान चुके हैं और इसकी कमी से होने वाले रोगों से भी परिचित हो चुके हैं। ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड की संतुलित मात्रा को अपने आहार में शामिल कर लीजिए, ताकि इससे होने वाले ढेरों फायदे आपको मिल सके और इसकी कमी से होने वाले रोग आपके शरीर से दूर ही रहें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये फायदेमंद भी साबित होगी। क्योर एंड हेल्पडेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।